नेक्स्ट है हमारे पास लॉग ऑफ बूलियन अलजेब्रा. लॉग ऑफ बूलियन अलजेब्रा क्या है कि आपके पास कुछ बेसिक कवानीन है जैसा कि अलजेब्रा के अंदर होते हैं जिनके जरिए आप अपनी एक्सप्रेशन को छोटा कर सकते हैं. एक्सप्रेशन छोटा करने का क्या मतलब है कि आपने अपनी इंप्लीमेंटेशन छोटी करनी है, आपने कम से कम गेट्स यूज करने हैं और उससे आपकी आउटपुट वही आए, आउटपुट पर फर्क ना पड़े. ठीक है, उस दिन हमने इंप्लीमेंटेशन की थी डिफरेंट गेट्स के जरिए, ट्रुथ टेबल के जरिए किस तरह इंप्लीमेंटेशन करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन से किस तरह इंप्लीमेंटेशन करते हैं. आज हमने पढ़े कुछ लॉज जिनके जरिए आप अपनी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं. उसमें सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ. क्या होता है उस दिन हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर अगर किसी भी वेरिएबल को वन के साथ एड करेंगे तो क्या आएगा, उसकी आइडेंटिटी कायम रहेगी. ठीक है, किसी को भी वन के साथ एड कर देंगे तो जवाब वो खुद आएगा. बेशक जीरो को वन के साथ एड करें तो जीरो, वन को वन के साथ एड करें तो वन. क्लियर. दूसरा था और के लिए, तो जीरो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है कि जीरो को आप किसी के साथ भी और करेंगे तो जवाब हो वही आ जाएगा. ठीक है, दूसरा हमारा लॉ था आइडेम्पोटेंट लॉ. उसमें क्या था, उसमें यह था कि आपने एक वेरिएबल का अपने साथ ऑपरेशन करना है, एक ए के साथ एंड, एक ए के साथ और करना है. ठीक है, वो क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ. इसमें क्या होता है, अपने साथ ही ऑपरेशन होता है, प्लस भी हो सकता है डॉट भी हो सकता है. ए प्लस ए क्या होगा, ए खुद ही आएगा और ए डॉट ए भी ए ही आएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लॉ हमारा था एनलमेंट लॉ. उसमें क्या होता है कि आपके वेरिएबल की वैल्यू खत्म हो जाती है या औकात नहीं रहती. क्लियर, कैसे खत्म होती है, एंड में किसके साथ एंड करेंगे तो खत्म होगा वेरिएबल, जीरो के साथ एंड करेंगे तो क्या जवाब आएगा, जीरो. ठीक है, क्योंकि जीरो किसी के साथ भी एंड हो रहा है तो एक जीरो आ गया मतलब आउटपुट जीरो. और में क्या होगा, वन और हो जाएगा तो आउटपुट वन हो जाएगी. इससे क्या होगा, हमारा वेरिएबल अपनी शिनाख्त हो बैठेगा, खत्म हो जाएगी उसकी शिनाख्त. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डबल नेगेशन लॉ. उसमें क्या होता है कि दो दफा नेगेशन की हुई है, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं. किसके अंदर की है, डीएलडी में ही की है, पर भी डीएलडी ही रहे हैं. नैंड को दोबारा इनवाइट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एंड बन जाता है. इसी तरह एक वेरिएबल को अगर दो दफा नॉट करते हैं तो क्या होगा, दोबारा वही वेरिएबल आ जाता है. यानी कि ए के ऊपर एक बार लगाए, इसके ऊपर दूसरा बार लगाएंगे तो जवाब क्या आएगा, ए आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे. ठीक है, ये डबल नेगेशन है कि दो दफा आपने इसको नेगेटिव किया तो आउटपुट क्या आई है, वही आई है. ठीक है, उसके बाद आपके पास है कंप्लीमेंट लॉ. कंप्लीमेंट लॉ क्या होता है, आपने एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग मैथ पढ़ाते हैं,
या पढ़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ, कभी भी नहीं सुना? चले चले, कंप्लीमेंट लॉ क्या हो सकता है कि अगर एक वेरिएबल का उसके कंप्लीमेंट के साथ फंक्शन किया जाए तो, यानी कि ए को ए बार के साथ और किया जाए और ए को ए बार के साथ एंड किया जाए तो क्या आउटपुट आएगी? ये आपका कंप्लीमेंट लॉ है कि अपने कंप्लीमेंट के साथ ऑपरेशन किया जाए तो क्या होगा? आंसर क्या आएगा? जीरो प्लस वन और वन प्लस जीरो, तो क्या आउटपुट बनती है फिर? अगर उल्ट के साथ प्लस करें तो, यानी जीरो है, जीरो का उल्ट क्या है? वन, तो प्लस करें क्या आएगा? जीरो प्लस वन, वन आ रहा है, कंप्लीमेंट वाला आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, यहां पे जीरो है प्लस वन वन, यहां पे वन है प्लस जीरो वन, आउटपुट क्या आना है? दोनों ही वन आ सकता है, पर ये बताएं ए है और ए बार है, एक वेरिएबल लेने और दूसरा उसका उल्ट लेने, वेरिएबल जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। जीरो का उल्ट क्या है? वन, और वन का उल्ट क्या है? जीरो, वन प्लस जीरो, जीरो प्लस वन वन, आउटपुट क्या है? वन। इसी तरह एड करेंगे उल्ट के साथ तो क्या होगा? वन को जीरो के साथ एड करें, जीरो को वन के साथ एड करें, जीरो। क्लियर? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है ये बताएं मुझे। कौन सा? डबल नेगेशन दो दफा बाहर है ना, नॉर्थ से है वो, कि दो दफा आपने नॉर्थ गेट लगाया तो रिजल्ट वापस वही वेरिएबल आ जाएगा। जीरो को उल्टा करें वन आएगा, वन को दोबारा उल्टा करें तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये डबल नेगेशन है कि दो दफा आपने नेगेटिव अप्लाई किया उस पर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें होल्ड करती है। सेट्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होती थी, कुछ याद होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन आर क्लोज विद, नहीं समझ, नहीं याद, अच्छा इंग्लिश में नहीं आता। इसमें कुछ ऐसा होता है कि आपकी जितनी आउटपुट्स होती हैं वो एक खास सेट पे मुहित होती हैं, कि सिर्फ इसी में से आएगी आपकी आउटपुट। कुछ याद आया कि जितनी आउटपुट्स हैं वो सारी कुछ खास वैल्यूज पे आएंगी। अब इसमें हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के अंदर तमाम वैल्यूज जो है वो जीरो और वन में आएंगी, ऐसे ही है कि जितने भी आउटपुट्स आनी है वो कहां आनी है? ये जीरो आएगी या वन आएगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि बूलियन अलजेब्रा जो है वो क्लोज है जीरो और वन के सेट पे। ठीक है, इसको हम सेट कह ले हैं। तो आपका बूलियन अलजेब्रा इस सेट पे क्लोज है, यानी कि तमाम जितने भी आपके रिजल्ट्स आने हैं वो जीरो या वन होंगे। क्लियर? उसके बाद अगली चीज है आपकी कम्यूटेटिव लॉ, ये तो आपको आता होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? हाँ, तो क्या होगा? a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के, इसी तरह a डॉट जी इक्वल टू बी डॉट ए। क्लियर? ये कम्यूटेटिव लॉ। एक और लॉ रह गया, कौन सा? एसोसिएटिव लॉ, वो क्या होता है? a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। एसोसिएटिव क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ क्या है? a इंटू बी सी इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी, कि जो मर्जी ऑपरेशन आप पहले कर लें
आंसर सेम आएगा। इसी तरह प्लस में भी है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? अब मुश्किल वाला थोड़ा सा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद है कुछ? a डॉट इंटू बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें क्या होगा? a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? ए बी प्लस ए सी, ऐसा ही है, याद है ना अदीपा? यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर प्लस का साइन आ जाए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। क्लियर? इसी तरह प्लस अगर बाहर है और डॉट अंदर है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। क्लियर? नेक्स्ट आपका डिमॉर्गन्स लॉ है, उसमें क्या होगा? कंप्लीमेंट आता है, जी वेरीफाई ट्रुथ टेबल के जरिए आप कर सकते हैं, जी अभी बताता हूं क्वेश्चन क्या आएगा, वो देख के आप ठंडे हो जाएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ, उसमें तो सिर्फ एक वैल्यू लेनी होती थी, इसमें तो आपको पूरा ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। इसी तरह ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। क्या है? इंटरसेक्शन और यूनियन क्या है ना? फिर कंप्लीमेंट आता है ना? हाँ, तो ये क्या है? होल कंप्लीमेंट नहीं है, हाँ तो सिर्फ वेरी, ये ऑपरेटर चेंज है और कोई चेंज नहीं है। नहीं, चेंज होता है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर चेंज करने के लिए ही यूज होता है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, आपने अगर ऑपरेटर एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में जाने हैं तो वहां पे आप डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सबसे अहम चीज कि इसका क्वेश्चन किस तरह आता है पेपर में। इसका क्वेश्चन आना है कुछ इस तरह। अच्छा, याद आ गया। अब आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई होगी एफ ऑफ ए बी सी, जिसमें कुछ वैल्यू दी हुई होंगी, कुछ ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, एफ ऑफ ए बी बना लेते, तीन दिए हुए। चले, अब कहा जाएगा इसको सिंप्लीफाई करें यूजिंग लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, सिंप्लीफाई करके उसकी डायग्राम बनानी है। चलिए कुछ ट्राई करते हैं। इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों में बी है, ठीक है, ए इंटू बी प्लस, सॉरी बी कॉमन है, बी इंटू ए प्लस ए बार। ये कौन सा लॉ हमने लगाया? कौन सा लॉ लगाया यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। लॉ कौन सा लगाया? डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या होगा? यहां पे क्या आएगा? ए प्लस ए बार, कोई लॉ लग रहा है? जी, एनलमेंट लॉ, यहां पे आपका एनलमेंट लॉ लगेगा, बी इंटू वन प्लस ए इंटू बी बार, क्या आ जाएगा? एनलमेंट लॉ, ठीक है। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी, हाँ बताना है ना यहाँ पे कौन सा लॉ लगा?
हाँ उनको तो पता होगा, लेकिन वो ऐसे होते हैं जो अनजान बने बैठे होते हैं। ठीक है, अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, कौन सा लॉ लगाएंगे? नहीं लग रहा हूं। अब देखिए हमने किया क्या, सिंप्लीफाई की है। ठीक है, यहां पे आप कह सकते हैं कि यहां पे अब आपने आइडेंपोटेंट लॉ लगाया कि अपनी आइडेंटिटी उसने कायम रखी है, बी डॉट वन है ना, तो बी डॉट वन से आपकी आइडेंटिटी कायम रही है, तो आइडेंटिटी लॉ आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे कितने गेट्स लगने थे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात गेट्स लग रहे थे। आप कितने गेट्स लग रहे हैं? एक, दो और तीन, तो हमारे चार गेट्स कम हो गए, यानी हमारा सर्किट मजीद सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, तो ये फायदा होता है लॉज को अप्लाई करके अपनी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने का, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का। इसका सर्किट बनाना आसान है, ये इसका, इसका क्या सर्किट होगा? सिंपली ए है, बी बार है, एंड है, यहां पे बी बार है, उसके बाद बी के साथ इसको और कर देना है, सिंपली बी हुआ और यहां पे और हो गया। अब इस सर्किट की और इसका जो सर्किट बनाएगा, दोनों की आउटपुट सेम होगी, बेशक आप ट्रुथ टेबल के जरिए इंप्लीमेंट करके देख लें। क्लियर? इसी तरह एक और एग्जांपल करें। चले, फंक्शन लिखवाना है अब आपने, मिटा दू डर, आप तीन टर्म्स में लेते हैं कोई भी, लिखवाएंगी ए प्लस बी डॉट ए बार बी बार प्लस ए डॉट सी। इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां पे कोई लॉ लगा सकते हैं? या एक और काम कर सकते हैं, इसको देखें, ए बार डॉट बी बार, यहां पे प्लस आ सकते हैं? आ सकते हैं ना, कैसे आएगा? यहां पे क्या है, ए प्लस बी है डॉट, यहां पे क्या आएगा, ए प्लस बी होल बार लिख सकते हैं हम यूजिंग डी मॉर्गन लॉ प्लस ए डॉट सी। कौन सा लॉ लगाया? डी मॉर्गन लॉ। अब ये देखें, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कंप्लीमेंट है तो दोनों डॉट हो रहे हैं, क्या होगा? सपोज कर ले ये एक्स है, एक मिनट, ये एक्स है, ये एक्स बार है, ये एक्स बार है, एक्स डॉट एक्स बार क्या होता है? वन होता है। एक्स डॉट एक्स बार प्लस नहीं है, ए डॉट ए बार जीरो, ये क्या होगा? जीरो प्लस ए डॉट सी। तो आपकी एक्सप्रेशन क्या हुई? ए डॉट सी। यहां पे अब लॉ कौन सा हमने लगाया? एनलमेंट लॉ, या ठीक है, एनलमेंट लॉ या फिर कंप्लीमेंट लॉ, बल्कि कंप्लीमेंट ही लिखते हैं क्योंकि कंप्लीमेंट लगाया। यहां पे हमने कंप्लीमेंट लॉ लगाया, ये जीरो हो गया, ए डॉट ए कंप्लीमेंट था हमारे पास, तो आपकी आउटपुट क्या आई? ए डॉट सी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? सिंप्लीफिकेशन करते हुए आपको कंडीशन आएगी जहां पे कुछ ऐसी टर्म आपके पास आएगी, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये टर्म किसकी है?
जिसमें दोनों सेम है, ए बी प्लस ए बार बी बार, नहीं गेट्स की तरह जरा जाए पीछे, एक्स एक्सक्लूसिव नॉर, जहां पे दोनों सेम होते हैं, तो ये उसकी टर्म है। तो यहां पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं ए एक्सक्लूसिव नॉर बी, ये इससे रिप्लेस कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह अगर a बार b प्लस a बार b प्लस ए बी बार है, तो इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये कौन सा गेट है, 01 प्लस 10 कौन सा गेट है, इसका उल्ट है ना, यहां पे दोनों सेम टर्म आ रही है, यहां पे दोनों डिफरेंट आ रही है, तो आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसका उल्ट क्या है, एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव और बी, तो ये इससे रिप्लेस हो सकता है, क्लियर, समझ आ गई सबको, कोई कंफ्यूजन। चलो अब आपकी असाइनमेंट मिटा दूं।